गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज हम ओ की मात्रा का अभ्यास करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने ओ की मात्रा का रीडिंग कर लिया था चैप्टर, आज हम उसका अभ्यास करेंगे। मौखिक क्वेश्चन वन पढ़ो, क्या है ये? चलो आपको भी पढ़ना है, मुझे बताना है क्या है। अच्छे से देखो कौन सी मात्रा है और उसको क्या बोलेंगे हम। वेरी गुड, तोता। क्योंकि जब ये देखो यहाँ पर त के बाजू में वन लाइन है और उसके ऊपर वन लाइन है, इसीलिए ओ की मात्रा हुई। तो त को ओ की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो। और ये त के बाजू में वन लाइन आ की मात्रा, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम? ता। तो ये हुआ तोता। ऐसे ही नेक्स्ट खरगोश। अच्छे से देखो कौन सी मात्रा है ग में? ओ की मात्रा। और बोलेंगे हम तो भी उसमें पीछे ओ सुनाई देगा। सुनो, खरगोश। तो ग में ओ सुनाई दिया ना। अब टोकरी, घोड़ा, कोयल, गोल, मनोज, शोभा। चलो फिर से रीड करो आप भी मेरे साथ। तोता, खरगोश, टोकरी, घोड़ा, कोयल, गोल, मनोज, शोभा। तो ये हमने रीड किया। आगे चित्रों को देखकर ओ की मात्रा लगाओ। ये पिक्चर को आपको देखना है, आपको पता होना चाहिए किसका पिक्चर है, तो ही आप उसमें मात्रा लगा पाओगे। फर्स्ट पिक्चर किसका है? तोता का है ना, तोता। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तोता। तो इसमें हमें ओ की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर त के बाजू में वन लाइन और ऊपर वन लाइन, ये हो गई ओ की मात्रा। तो अब रीड करेंगे तो क्या होगा? तोता। नेक्स्ट किसका पिक्चर है ये? कोयल का है ना, कोयल का पिक्चर। तो इसको क ब्लैंक यल, तो क के बाजू में ओ की मात्रा लगानी है। तो क के बाजू में वन लाइन और ऊपर वन लाइन, ये हो गया ओ की मात्रा। अब रीड करोगे तो क्या होगा? कोयल। उसके बाद ये क्या है? टोकरी। इसमें फल फूल रख सकते हैं आप, ये टोकरी। तो ट के बाजू में ओ की लाइन करनी है आपको, बाद में रीड करोगे तो हो गया टोकरी। नेक्स्ट ये क्या है? जोकर है ना, जोकर। आपको पसंद आता है जोकर? तो छ के बाजू में ओ की मात्रा, जोकर। उसके बाद लास्ट मोर। तो म के बाजू में ओ की मात्रा, मोर। तो इसको आपको अच्छे से ऐसे ही फिलअप करनी है ओ की मात्रा। आगे चित्र को देखकर पक्षियों के नाम लिखो। अब चित्र को देखकर आपको उसका पूरा नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट कंप्लीट किया है, ये तोते का पिक्चर है, तो आपको यहाँ पर लिखना है तोता। फिर ये है मोर, तो आपको म कर कर उसके बाजू में ओ की मात्रा लगानी है और फिर र लिखना है, तो हो जाएगा मोर। उसके बाद कोयल, तो कोयल आप बोलते हो तो आपको क्या सुनाई देता है? पीछे ओ की मात्रा सुनाई देती है ना, तो को। तो को के लिए पहले क्या लिखना होगा? क। और ओ की मात्रा, तो होगा को और फिर य और ल, तो ये हो गया कोयल। उसके बाद वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ख प्लस र प्लस ग प्लस ओ की मात्रा प्लस स।
तो ओ की मात्रा को ग के बाजू में लगानी है और प्लस की साइन निकाल देनी है। तो अब पूरी प्लस की निशानी निकाल देंगे तो क्या होगा? खरगोश। उसके बाद ल प्लस ओ की मात्रा प्लस म प्लस ड प्लस ई की मात्रा इज इक्वल टू लोम डी। नेक्स्ट घ प्लस ओ की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू घोड़ा। नेक्स्ट म प्लस ओ की मात्रा प्लस र इज इक्वल टू मोर। नेक्स्ट ढ प्लस ओ की मात्रा प्लस ल प्लस क इज इक्वल टू ढोलक। तो ये था वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ये अब आप सभी को आ गया है ना कैसे करना है। अब नेक्स्ट चित्रों को देखकर जानवरों के नाम लिखो। जानवर यानी एनिमल्स। पिक्चर्स को देखकर आपको एनिमल्स के नाम लिखने हैं, जानवरों के नाम लिखने हैं। तो ये क्या है, कौन का क्या है ये बच्चों? गाय है ना, गाय। तो आपको नीचे लिखना है गाय। फिर ये किसका पिक्चर है, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, शेर। जंगल का राजा शेर। तो आपको नीचे लिखना है शेर। तो सब में आपको कौन सी मात्रा सुनाई देती है, बोलो सभी? शे। तो एक ही मात्रा सुनाई थी ना, तो एक ही मात्रा कैसी होती है? व्यंजन के ऊपर वन लाइन। तो स के ऊपर आपको वन लाइन करनी है, शेर। नेक्स्ट ये क्या है, घोड़ा। आप बैठे हो कभी घोड़े पर? हाँ बैठे हो ना, तो ये है घोड़ा। तो घोड़ा बोलो, उसमें आपको कौन सी मात्रा सुनाई देती है? घोड़ा। तो घ में ओ की मात्रा और ड में आ की मात्रा सुनाई दी। तो आपको घ उसके बाजू में ओ की मात्रा लगानी है और ड के बाजू में आ की मात्रा लगानी है। तो हो गया ये घोड़ा। नेक्स्ट ये क्या है, लोमड़ी। तो लोमड़ी बोलो, लोमड़ी में कौन सी मात्रा सुनाई देती है? लो। तो ल में कौन सी मात्रा सुनाई दी? ओ की। फिर म, तो म में कोई मात्रा नहीं है, म के बाद अ आया, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर डी, तो ड में एक की मात्रा सुनाई दी। तो आपको लिखना है लो म डी। नेक्स्ट ये क्या है, भालू। तो भालू उसमें कौन सी मात्रा सुनाई दी? भा। तो भ में आ की मात्रा और लू, तो ल में ओ की मात्रा। तो आपको भ के बाजू में आ की मात्रा और ल के नीचे ओ की मात्रा लगानी है। तो हो गया भालू। नेक्स्ट ये क्या है, खरगोश है ना, खरगोश, रैबिट। तो खरगोश, खरगोश, ग के बाजू में ओ की मात्रा, तो ये है खरगोश। तो आपको ये अच्छे से टेक्स्ट बुक में फिलअप कर लेना है। चित्रों को देखकर जानवरों के नाम, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ, चित्र को देखकर पक्षियों के नाम लिखो और ओ की मात्रा लगाओ। तो ये था ओ की मात्रा का अभ्यास, एक्सरसाइज। तो ये आज कंप्लीट हो गया और आपको इसको टेक्स्ट बुक में अच्छे से फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास वर्क करेंगे, तो वो भी आपको नोटबुक में अच्छे से करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने ओ की मात्रा सीख ली ही, उसका अभ्यास भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, टेक्स्ट बुक में फिलअप भी कर लिया। अब हम उसका क्लास वर्क करेंगे, सी डब्ल्यू ओ की मात्रा।
ये ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा आपको ऐसे हेडिंग डालना है, फिर ओ ब्रैकेट में ओ की मात्रा करनी है, यह ओ की मात्रा है। उसके बाद ओ की मात्रा के व्यंजन यानी कलम खड़ियम बोलते हैं ना, वो टू टाइम्स आपको टू टाइम्स लिखना है। क को की मात्रा को, ख को की मात्रा खो, ग को की मात्रा को, ऐसे पूरा आपको कहाँ तक लिखना है, ह को की मात्रा हो तक लिखना है। उसके बाद शब्द लिखो, आपको शब्द लिखना है, न को की मात्रा नोट, म को की मात्रा मोर, त को की मात्रा तोता, ग को की मात्रा गोटी, र को की मात्रा रोटी, स को की मात्रा सोहन, च को की मात्रा चोर, स म को की मात्रा मोसा समोसा, छ को की मात्रा छोटा, म को की मात्रा मोटा। फिर से रीड करो, नोट मोर तोता गोटी रोटी, सोहन चोर समोसा छोटा मोटा। तो ये भी आपको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक में फिलअप किया आपने, उसको आपको नोटबुक में लिखना है। तो CW अभ्यास क्वेश्चन 1 शब्द लिखो। तो यहाँ पर भी आपको शब्द लिखने हैं जो टेक्स्ट बुक में है, तोता खरगोश टोकरी घोड़ा, कोयल गोल मनोज शोभा। उसके बाद ओ की मात्रा के शब्द जो टेक्स्ट बुक में थे ना, कि चित्र को देखकर ओ की मात्रा लगाओ, वो तोता जोकर टोकरी कोयल मोर। उसके बाद पक्षियों के नाम लिखो, वो आपको 3 times लिखने हैं ताकि आपको टेस्ट में आ जाए, इसलिए 3 times लिखने हैं। तोता मोर कोयल कौवा चिड़िया। उसके बाद वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। वर्णों को मिलाकर, तो ये देखो, ये है वर्णों को मिलाकर शब्द, खरगोश लोमड़ी घोड़ा मोर ढोलक। उसके बाद जानवरों के नाम लिखो, जो चित्र को देखकर जानवरों के नाम थे ना वो वाले, उसमें 2-3 और लिखाए हैं मैंने, वो आपको कितनी टाइम्स लिखना है, 3 times, ताकि टेस्ट में आपको वो अच्छे से आ जाए। गाय जो आपको दूध देती है, हमें दूध देती है वो गाय, शेर घोड़ा लोमड़ी भालू खरगोश बंदर बकरी। तो ये था जानवरों के नाम, तो ये भी आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो ये था आपका क्लास वर्क। तो ये आपको अच्छे से हिंदी की नोटबुक में लिख कर कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा ओ की मात्रा का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम औ की मात्रा सीखेंगे। औ शब्द के पीछे क्या लगेगा उसमें, औ, ये था ओ और वो होगा औ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम औ की मात्रा सीखेंगे। ओके बच्चों, ये आप घर पे कंप्लीट कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।